सभा की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में पत्रकार बात करें, राजनीति के क्षेत्र बनाया है। इन दिनों लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर को लेकर क्या खास तैयारी है, जिसके लेकर आज दिल्ली से हमारे बीच अजीत दुबे जी आए हुए हैं। हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है आपकी, चूंकि बलिया के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में छाए हुए हैं। तो अजीत दुबे का कोई परिचय का मोहताज नहीं है, एक बड़ा चेहरा है। बात करें बलिया के लिए, बात करें दिल्ली के लिए, तो इस दिनों वो बलिया हैं और बलिया की राजनीति पर चर्चा होगी, चर्चा विकास को लेकर होगी, चर्चा कैसे करेंगे, ये बोलते हैं। अजीत दुबे जी, सर आज आने का अवसर क्या है? नीरज शेखर जी को समर्थन देने के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या इसके पहले भी नीरज शेखर के लिए आप थे? मैं इसके पहले भी आता रहा और चंद्रशेखर जी के समय भी मैं आता था, जब मार्क तुली भी दिल्ली से आते थे, तो मेरी बलिया से चुनाव की बहुत सारी स्मृतियाँ। छोटा प्रोफाइल, चूँकि बड़ा लंबा आपका है, लेकिन छोटे प्रोफाइल में जानेंगे कि कहाँ से जन्म हुआ, कब आप दिल्ली पहुँचे, क्या क्या आपने किया? मेरा जन्म बलिया में हरिहरपुर गांव, मेरे पिता रेल मंत्रालय में अधिकारी थे, शिक्षा दिल्ली में हुई, स्कूल कॉलेज MBA, उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में अधिकारी रहा, भारत के सभी बड़े शहरों में दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास में मेरी पोस्टिंग्स रहीं। भारत को मैंने यूनाइटेड नेशंस में एयरपोर्ट प्राइजिंग पर रिप्रेजेंट किया। दिल्ली सरकार में जब पहली बार मैथिली भोजपुरी एकेडमी बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मुझे उस एकेडमी का वाइस चेयरमैन बनाया। उसके बाद 5 साल मैं साहित्य अकादमी में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधि था। अभी मैं श्री हरदीप पुरी के मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, लेकिन एविएशन मेरी बैकग्राउंड है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस के पद से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अवकाश प्राप्त किया। से आखिर नीरज शेखर का क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? हम चंद्रशेखर जी का समय से उन लोग के संगे बानी या प्रभावित बानी। एगो छोट सिलसिला, हमार कोनो ऑफिशियल काम रहे, चंद्रशेखर जी हमरा के बुलौले आ हमरा बारे में जब हमारा मंत्री शरद यादव से कहले तो हमारे परिचय देले कि अजीत दुबे हमारे बलिया के हैं। शरद यादव ने पूछा, मंत्री ने, क्या बोले? हमारे बलिया के। तो बलिया के प्रति जो गर्व का बोध चंद्रशेखर जी के मुंह से मैंने सुना, मेरी उनके प्रति समर्पण और प्रेम और बढ़ गया, इसलिए मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ आज से नहीं 30 साल से। आप बलिया लोकसभा क्षेत्र के कई जगहों पर गए थे कि या फिर सीधे आप? मैं आज ही आया हूँ और मैं हर बार दुआबा में कम से कम 25 जगह जाता हूँ, मैं फेफड़ा विधानसभा में जाता हूँ, इस बार भी मेरा जाने का कल से प्रोग्राम है। क्या चुनाव तक रहेंगे आप? मैं 30 तारीख को वापस चला जाऊँगा जिस दिन प्रचार खत्म होगा, लेकिन मैं जो मेन बात जिसके लिए आया हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि 25 मई को जब 6ठे फेज का चुनाव हुआ और मैं वोट देने गया, तो 50 साल में पहली बार मैंने दिल्ली में देखा कि आम जनमानस स्वतः कह रहा था कि मोदी को वोट देना है। इसके पहले 50 साल मैंने कभी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के नाम पर लोग कह रहे हों। तो मुझे लगा कि जब पूरा देश मोदीमय है तो बलिया तो मेरी जन्मभूमि है, मैं हर बार आता हूँ, तो कम से कम बताऊँ तो सही कि ये चुनाव मोदी यस और मोदी नो। अगर मोदी यस है तो केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार आ ही रही है, राज्य सरकार में भाजपा सरकार है ही, तो अगर भाजपा का यहाँ से सांसद होगा तो जो भी कार्य है उसकी गति मिलेगी, उसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। मेरे आने का मेन पर्पज यही है। दोस्तों, अजीत दुबे ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सांसद चूंकि दिल्ली के सबसे बड़े सदन में पहुंचेगा तो बलिया का विकास का पहिया रुकेगा नहीं बल्कि रफ्तार पकड़ेगा। आइए बात करते हैं कपिल बादल से। क्या हाल चाल है सर? आप तो पूर्वांचल राज्य की बार बार मांग करते थे लेकिन हर मोर्चे पर फेल मार जाते हैं, फिर वो गति नहीं पकड़ता, फिर वापस आ जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में कभी पूर्वांचल राज्य की मांग नहीं उठती है, ना उस पर कोई चर्चा होती है? पूर्वांचल राज्य की मांग की चर्चा होती है, हमारे संघ के लोगों से बात होती है, वो लोग पहले से बोले हम लोग 4 भागों में प्रदेश को बांट चुके हैं। क्योंकि देश में अभी यहाँ विभाजन की बात करेंगे तो देश से तमाम छोटे राज्यों की मांग आ जाएगी, इसलिए इस इलेक्शन के बाद जब अगला 27 का चुनाव होगा विधानसभा का,
उस समय इस मुद्दे को हम लोग उछालेंगे और निश्चित रूप से बंटवारा होगा पूर्वांचल। अच्छा, और राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं? राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। जो हमारा पाकिस्तान हिस्सा हड़प लिया है कश्मीर का, उसको वापस लेने के लिए। जो घुसपैठी हमारे देश में घुस गए हैं उनको बाहर करने के लिए। और भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए हम लोग भाजपा के साथ, मोदी के साथ लगे। तो क्या नीरज शेखर के लिए लगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? हम तो भाजपा के साथ लगे हैं। केवल एक नीरज शेखर जीतने से तो जो हमने मुद्दा गिराया उसका होना नहीं है, भरपाई पूर्ण होगा ही नहीं। जब तक भाजपा की मजबूत सरकार नहीं आएगी तब तक कैसे ऐसा हो पाएगा? राष्ट्र के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे, मैंने कहा है राष्ट्र के सम्मान, अपनी सीमाओं की सुरक्षा, पीएको को अपने में शामिल करना, तिरंगा फहराना और मजबूती से सीए लागू करना, घुसपैठियों को बाहर करना, ये सब सारी चीज़ें जब तक मजबूत सरकार नहीं आएगी केंद्र में तो केवल एक नीरज शेखर जान से तो होगा नहीं। अजीत जुबे जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप साहित्य के क्षेत्र में रचनाकार भी हैं, लेखक भी हैं, तमाम पुस्तकें आपकी हैं, मैंने देखा भी, पढ़ा भी है। लेकिन उसमें बलिया के लिए ये माना जाता है कि साहित्यकारों के लिए कोई अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिला, कोई बेहतर ऐसा सामने संग्रहालय की बात करें, उनकी स्मृतियों को, उनके कलाकृतियों को या उनके लेखनी को एक संग्रह मिले। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में बहस होती है, लेकिन आप बात करते हैं आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी की बात आप करते हैं, अब आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की बात करते हैं, आप केएन सिंह की बात करते हैं, केदारनाथ सिंह की बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साहित्यकारों की बात करते हैं, तो इन लोगों का नाम विलुप्त हो जा रहा है, इन लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक की बात कहूँगा कि साहित्य अकेडमी में पिछले साल 13 साल के बाद भोजपुरी के 2 बड़े साहित्यकारों को भोजपुरी भाषा सम्मान मिला, डॉक्टर अशोक द्विवेदी और अनिल ओझा नीरद, कि दोनों बलिया मूल के हैं साहित्यकार। डॉक्टर अशोक द्विवेदी बलिया में रहते हैं और अनिल ओझा कलकत्ता में रहते हैं। ये बात 13 साल के बाद संभव हो पाई कि भोजपुरी किसी साहित्यकार को राष्ट्रीय लेवल का सम्मान मिले। इसके अलावा साहित्य अकेडमी जो साल में 4 पुरस्कार देती है, उसमें साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार बलिया मूल के अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा पर मिला 2023 का। तो बलिया के साहित्यकारों को बिल्कुल सम्मान मिल रहा है अपेक्स लेवल पर। जन्मभूमि को सम्मान का, उनकी जन्मभूमि चर्चा तो होती है कि गोद ले लिया, लेकिन उनकी जन्मभूमि की बात, जिस तरह से जन्मभूमि जो उस नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, इस पर और काम होने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो गांव है, मेरा गांव, मैं हम लोग वहीं से होकर जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर एक द्वार बना था, वो द्वार गिर गया, जब हम लोग उठाए तो द्वार बना। वहां के लोकल लोगों को भी इस बारे में एक स्वाभिमान की अनुभूति होनी चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे गाँव के थे, हमारे जवार के थे। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ बहुत हो रहा है लेकिन और इसमें होना चाहिए। वहाँ के लोग को जागरूक है, जब उनकी पुण्यतिथि कोई मेला लगे, जब वहाँ मेला लगेगा 10 लोग पूछेंगे, आज की नौजवान पीढ़ी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे किस तरह का मेला है, तब तो आचार्य किस लिए मेला लगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, दिल्ली में जैसे राजधानी में काम हो रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्याख्यान माला हर साल आयोजित होती है, ये उस तरह के काम बलिया में भी होने चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। बात करें, आप तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भाजपा देश के मुद्दों की बात करें, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पुराने रिलेशन रहे चंद्रशेखर जी की, मैं जितना भी उस पर संतम है और इसलिए मैं साथ हूँ, लेकिन नीरज शेखर के या उनके घोषणा पत्र में के होना चाहिए। अभी कल मैंने अखबार में पढ़ा कि बलिया में भाजपा ने संकल्प पत्र घोषित किया है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और ज़रूर होंगी, और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा, होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा बस इतना ही, क्योंकि अजीत दुबे और एक नामी गिरामी हस्ती हैं बलिया के, हैं
दिल्ली में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, वहीं कप्तान उपाध्याय पूर्वांचल राज्य बनाने को लेकर जो संघर्ष रहा है बड़ा ही लंबा रहा है और बड़ा संघर्षमय एक बात करें तो इनका काम रहा है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज शेखर को लिए था कि इन्होंने नीरज शेखर को इसलिए चाहते हैं कि राष्ट्र के मुद्दों पर, राष्ट्र के विकास को लेकर और बलिया के विकास को लेकर इसलिए नीरज शेखर की जरूरत है, जैसा आपने बताया। तो क्या लग रहा है, नीरज शेखर बलिया के विकास में तत्पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। कप्तान उपाध्याय जी आप क्या? बिल्कुल रहेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात आपसे फिर होगी। नमस्कार।